नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी इंटरनल हॉस्पिटल। मैं आपसे माइग्रेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को सर में दर्द होता रहता है, सालों से, कुछ महीने, कई महीनों से, सालों से सर में दर्द होता रहता है। उनको पता नहीं रहता है कि उनको क्या करना है। तो पहले हम देखें कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन जो है एक तरीके का सर का दर्द है, जो ज़्यादातर केसेस में आधे सिर को असर डालता है, आधे सिर पर, पर ये पूरे सिर में भी हो सकता है, सिर्फ आगे सामने के ललाट की तरफ हो सकता है या फिर पीछे हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में आधे हिस्से में होता है। इसके साथ साथ जो है मरीज को उल्टी होना या उल्टी का मन होना, साथ में थोड़ी सी आवाज़ से भी चिड़चिड़ापन होना, या फिर जो है रोशनी और आवाज़ बर्दाश्त नहीं होना, चिड़चिड़ापन आ जाना, व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, ये सारी चीज़ें माइग्रेन में देखने को मिलती है। और ये सर दर्द जो है 4 घंटे से ज़्यादा हो तो हम उसको माइग्रेन कहते हैं। तो माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन के होने की जो है बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बट उससे ज़्यादा जरूरी समझना यह है कि माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या होते हैं, जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ट्रिगर्स मतलब जिनकी वजह से माइग्रेन का सर दर्द होता है। जैसे कि अगर मरीज जो माइग्रेन के मरीज है, अगर उसको नींद प्रॉपरली नहीं देता है या ज़्यादा सोता है, जितना सोना चाहिए उससे ज़्यादा सोता है, तो उसको सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा भूखा रहने से, धूप से, शोर से, थकान से, मानसिक तनाव से, लंबी यात्रा से, किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडर से, जैसे कि परफ्यूम की खुशबू से, मेहंदी की खुशबू से उसको दिक्कत हो सकती है। थकाने वाली लंबी यात्राओं से उसको जो है माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनसे, कई बार चीज़ से, चाइनीज़ खाने से, इनसे जो है, और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से, चॉकलेट से, इनसे मरीज को जो है माइग्रेन के, ये माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं, इनसे मरीज को माइग्रेन का दर्द हो सकता है। तो जो मरीज माइग्रेन का जो मरीज है उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले वो पहचाने कि उसको कौन से ट्रिगर्स उसके लिए दिक्कत करते हैं, क्योंकि सारे ट्रिगर्स हर मरीज में नहीं मिलते हैं। किसी को सिर्फ जो है धूप में जाने से सर में दर्द होगा, बाकी किसी को हो सकता है कि सिर्फ खुशबू से हो। तो ऐसे ट्रिगर्स पहचाने और उससे दूर रहें। इसके अलावा माइग्रेन का उपचार भी संभव है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जड़ से मिटा पाना माइग्रेन को जड़ से मिटा पाना संभव नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ट्रिगर पॉइंट्स पहचाने, दूसरा डॉक्टर्स की सलाह से हम लोग कुछ दवाई ले सकते हैं जो कि करीब 5 से 6 महीने चलती है। उसके बाद माइग्रेन की सीवियरिटी जो होती है, यानी कि जो सर दर्द जितना तीव्र होता है वो, और जितनी बार होता है, जैसे किसी को रोज माइग्रेन का दर्द होता है, किसी को हफ्ते में 1 बार होता है, किसी को हफ्ते में 4 बार होता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी माइग्रेन की वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, सीवियरिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन में जो है जाँचें हम सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि मरीज को ये लगे कि हाँ उसको कोई सीरियस बीमारी ना हो। तो माइग्रेन बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें MRI या CT स्कैन नॉर्मल आता है। तो माइग्रेन को आप टालिए नहीं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकता है, ये आपके काम को अफेक्ट कर सकता है, आपके ऑक्यूपेशन, आपके जॉब पे असर डाल सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप पे असर डाल सकता है। माइग्रेन को पहचानें और उसका उपचार करें।